नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। पंचायत भवन में महिला से किया दुष्कर्म, वीडियो जारी हो गया है। दौसा के ग्राम पंचायत पिलोड़ी के पंचायत भवन में जॉब कार्ड बनवाने गई महिला से दुष्कर्म का मामला मानपुर थाने में सरपंच के पति के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 13 जनवरी को करीब 12 बजे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने गई थी। वहां सरपंच के पति राजाराम मीना ने उसे चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस दौरान आरोपी ने कहा कि मनरेगा में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं घर बैठे ही मजदूरी दिलवा दूंगा। इसके बाद गेट बंद करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता को कुछ देर बाद होश आया तो आरोपी ने अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने और परिवार को मारने की धमकी दी है। 14 जनवरी को आरोपी ने 50,000 रुपये की मांग की। पीड़िता ने बताया कि समाज में बेइज्जती के डर से सरपंच के पति को 50,000 दे दिए। इसके बाद वह अपने पिहर चली गई। वापस आने के बाद आरोपी ने फिर से 50,000 रुपये की मांग की। इस पर महिला ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करा दिया है। थाना प्रभारी सीताराम सैनी ने बताया कि महिला की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद न्यायालय में 164 के बयान दर्ज किए जाएंगे। इधर सरपंच पति राजाराम का कहना है कि महिला के आरोप निराधार हैं, पुलिस की जांच में सच सामने आने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर राजस्थान के दौसा से आ रही है, जहां पर पंचायत भवन में दोस्तों महिला से दुष्कर्म किया गया है। महिला दोस्तों जॉब कार्ड बनवाने गई थी, लेकिन वहाँ पहले से ही सरपंच के पति राजाराम मौजूद थे। उन्होंने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला को पिला दिया और गेट बंद करके महिला से दुष्कर्म किया है और उससे पैसे भी लिए हैं और उसकी वीडियो भी बना ली है। बहुत ही बड़ी खबर। अब पुलिस दोस्तों हर एंगल से जांच कर रही है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।